प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बलरामपुर जिले में लगातार दो दिनों से हुए बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, कई गांव पानी में समा गए हैं। बलरामपुर जिले में लगातार दो दिनों से हुए बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई गांव में पानी समा गए हैं, जिससे गांव के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं राप्ती नदी के इस बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख और एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर कोडरी घाट पुल का निरीक्षण किया, जहां राप्ती नदी के तट पर बसे गांव में बाढ़ ने रौद्र रूप ले लिया है और लोगों को घर से निकलने को मजबूर कर दिया है। जहां राप्ती का जल स्तर 105.32 है, जो खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर है। बलरामपुर जनपद में लगातार दो दिन से भारी बारिश होने के कारण बलरामपुर जनपद की राप्ती नदी उफान पर है। यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम कोडरी घाट पर खड़े हुए हैं और दो दिन से लगातार भारी बारिश होने के कारण ये राप्ती नदी इस वक्त उफान पर है और कई ग्रामीण गाँव में पानी जलमग्न हो गया है। वहीं बलरामपुर जनपद के जिला अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार जी व जो अपर जिला अधिकारी राम अभिलाष जी, अभी उन लोगों द्वारा कोडरी घाट पर निरीक्षण किया गया है। वहीं जो बलरामपुर जनपद में एनडीआरएफ की टीम है व जो बचाव राहत सामग्री है वो सब लेकर एनडीआरएफ टीम गांव में जा चुकी है और लगातार यहां जो राप्ती नदी है लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। राप्ती नदी के उफान से जिले में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ निरीक्षण के साथ अधिकारियों ने मौके पर कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया और 32 राहत चौकी व 19 राहत केंद्र भी संचालित हैं। राहत चौकियों पर राजस्व के कर्मचारियों के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ, पशु चिकित्सक तैनात है और तीनों तहसीलों में 72 नावे भी संचालित हैं। सभी तहसीलों को मोटर बोट भी मंगाकर देने को जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है। साथ ही ये जिला प्रशासन का ये दावा है कि बाढ़ से कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बाद भी राप्ती नदी के बढ़ते रौद्र रूप को देखकर ग्रामवासी सदमे में हैं और उनका कहना है कि अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो हम लोगों के गांव भी बह सकते हैं। वही बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, बचाव कार्य के लिए पीएसी की फ्लड यूनिट मौजूद है। राप्ती का जो लेवल है वो खतरे के निशान से करीबन 80 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है और कई करीबन 40 से 50 गांवों में हमें सूचना मिली है जहां पे कि बाढ़ का पानी भर गया है, तो उसके संबंध में हमने करीबन 70 नावें आज की डेट में जो हैं तहसीलों में भेज दी हैं और जहां जहां पे आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर SDMs अपने लेवल से नावों को वहाँ पर लगा रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं, जो भी हमारे बाढ़ राहत केंद्र बने हुए हैं वहाँ, उनको हमने एक्टिवेट कर दिया गया है और वहाँ पे जैसे जैसे सूचना प्राप्त होती है, कहीं पे कोई कटान की सूचना प्राप्त होती है तो जो संबंधित टीम है हमारी, जो फ्लड डिवीज़न की टीम है इरिगेशन की, इसके अलावा हमारे जो PWD की टीम है वहाँ जाके वो रिपेयर का काम कर रही है। इसी के साथ जितने भी हमारे जो नीचे के लेवल के स्टाफ हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की टीम है जो जिनको दवाइयाँ बांटनी है, इसके अलावा जो जानवर जो विस्थापित होते हैं उनके चारे की जो व्यवस्था करनी है तो उसके संबंध भी व्यवस्थाओं के आवश्यक निर्देश हमने नीचे की टीम्स को भिजवा दिए गए हैं और जो भी इश्यूज आगे आएंगे उनको हम टेकअप करेंगे। वही लाखों आबादी को मुख्यालय से जोड़ने वाला कोडरी घाट का पुल इस समय खतरे में है और इस पुल का अप्रोच पूरी तरह से कट रहा है, जहां मौके पर बाढ़ खंड के अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोडरी घाट पुल के कट रहे अप्रोच से हरैया ब्लॉक के लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि यदि ये अप्रोच कट गया तो हम लोगों का संपर्क भी मुख्यालय से टूट जाएगा।
कैमरा में हम चाहेंगे दिखाएं, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यह राप्ती नदी का किस तरह से ये अपना रूप ले चुकी है। पानी कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है, लेकिन हल्की यह भी जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी यहाँ जलमग्न हुआ है ऐसे भी कोई खतरा नहीं है। बलरामपुर में जो जिस गांव में जल भरा हुआ है वहाँ रहा सामग्री खाने पीने की व एनडीआरएफ की टीम व स्थानीय पुलिस उस गांव में मौजूद है। बलरामपुर, प्राइम टीवी, अमित कुमार, उत्तर प्रदेश। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। प्रभावित लोगों को कब तक राहत मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प